ड्रामा सीरियल जेंटलमैन की जो आने वाली एपिसोड है वो पहले से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जरनाब और रहमती का होने वाला है टाकरा। क्या जरनाब रहमती को इकबाल मुन्ना से मिलने देगी? क्या होने वाला है? जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसा कि हमें पता है कि जरनाब ने फारिस के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दिया है। आने वाली एपिसोड में सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जरनाब अपने ऑफिस से सीधा इकबाल मुन्ना के पास जाया करेगी। वो इकबाल मुन्ना का खुद ख्याल रखेगी और अब इन दोनों की यहाँ से मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। अब इकबाल मुन्ना को यहाँ पर ये लगेगा कि जरनाब सिर्फ मेरे हॉस्पिटल होने की वजह से ही मुझे मिलने के लिए आती है, अगर मैं यहाँ से चला गया तो हो सकता है कि ये मुझे मिलने ही ना आए। यहाँ पर इकबाल मुन्ना जरनाब से एक सवाल पूछता है कि मेरे हॉस्पिटल से रिहा हो जाने के बाद मुझे मिलने के लिए आओगी? जहाँ पर जरनाब इकबाल मुन्ना से ये कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल से जाने के बाद भाईगिरी छोड़नी होगी। इसका मतलब ये है कि जरनाब को हो चुकी है इकबाल मुन्ना से मोहब्बत। यहाँ से इकबाल मुन्ना और जरनाब की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फारिस इन दोनों के दरमियान से निकल चुका है। इसके बाद आप लोगों को सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिलेगी कि रहमती खुद इकबाल मुन्ना से हॉस्पिटल मिलने के लिए आएगा, जहाँ पर जरनाब पहले से हॉस्पिटल में मौजूद होगी। और जब रहमती जरनाब को वहां पर देखेगा उसका दिल टूट जाएगा और उसकी जेलसी देखने का बहुत ज्यादा आप लोगों को मजा आएगा। और यहाँ पर जरनाब रहमती के साथ लड़ाई करेगी और ये कहेगी कि मैं रहमती का साया भी इकबाल मुन्ना पर नहीं पड़ने दूंगी। और जैसा कि हमें पता है कि रहमती के पास पावर है, वो कुछ भी कर सकता है, तो वो इकबाल मुन्ना से किसी ना किसी तरह मिल ही लेगा। तो वहां पर इकबाल मुन्ना और रहमती की जो कन्वर्सेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजे की होने वाली है पहले की तरह। दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहाँ पर फारिस की, तो फारिस मिफ्रा के पास वापस चला जाएगा। जैसा कि मिफ्रा ने पहले ही कहा था कि जिस दिन जरनाब तुम्हें छोड़ेगी तो तुम मेरे पास ही आओगे। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर जो मिफ्रा है वो जरनाब से मिलने के लिए उसके घर आ जाएगी। यहाँ पर आप लोग देखोगे कि वो यहाँ पर फारिस की हिमायत करेगी कि मेरे और फारिस के दरमियान कुछ भी नहीं है, तुम्हें मंगनी नहीं तोड़नी चाहिए थी। यहाँ पर जरनाब उसे साफ साफ कह देगी कि उसकी बेवफाइयों को मैंने माफ करके उसे छोड़ दिया है। ये कहानी तकरीबन अपने एंडिंग को पहुंच चुकी है और बहुत ही ज्यादा बन चुकी है इंटरेस्टिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for more updates.